हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग ब्रांचेस के कट ऑफ। उसमें कौन कौन से ब्रांचेस है और उसका पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा था, वो सब आज के वीडियो में हम देखने वाले। और ये कट ऑफ लेटेस्ट है एसईबीएसई 2020 के रिजल्ट का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले कॉलेज का ओवरव्यू देखें तो इसकी लोकेशन आती है नवरंगपुरा अहमदाबाद में, और इसकी फीस है सिर्फ 1 साल की 1,500 रुपीज़। फीस आप देख सकते हो काफ़ी कम है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपके गुजकेट एग्जाम क्लियर होने के बाद एसईबीएसई की प्रोसेस पे आप अपना फॉर्म फिल करके आपका एडमिशन इसमें ले सकते हो। अगर हम इसके प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो इसमें 80% आपका प्लेसमेंट परसेंटेज है। और उसके अलावा ये गुजरात की काफ़ी पुरानी इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका एस्टेब्लिश ईयर था 1948, जो कि काफ़ी एक पुरानी गुजरात की कॉलेज है। और इसमें इसके अलावा बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल और मेस की भी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है। अगर हम वेरियस प्रोग्राम्स की बात करें, एलईसी में अभी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कोर्स, 4 साल का कोर्स रहता है ये। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ये कोर्स 2 साल का रहता है, और इसमें अभी पार्ट टाइम ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है। सो आप पार्ट टाइम भी इंजीनियरिंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांचेस है एल डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। सो यहाँ पे मैंने सारी की सारी वो 14 इंजीनियरिंग ब्रांचेस दे रखी है जो अभी एल डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक्टिव है, और आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। देख सकते हो कितने सारे इंजीनियरिंग ब्रांच है। सो आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करके ये सारी ब्रांच देख सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि ये सब ब्रांच इंजीनियरिंग की अभी एक्टिव है, और आगे हम इन सब ब्रांच पे उसका कट ऑफ देखने वाले हैं। सो सबसे पहली ब्रांच आती है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैंने पिछले 3 साल का कट ऑफ लिया हुआ है, और ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे मैंने पिछले 3 साल का कट ऑफ कंपैरिजन किया है, पर हम तो सिर्फ लास्ट साल का ये देखने वाले हैं। और ऑटोमोबाइल के लिए लास्ट साल का कट ऑफ था 4,100। आप देख सकते हो इसका कट ऑफ हर साल ऊपर जा रहा है। उसके बाद आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसका कट ऑफ लास्ट साल का रहा था 10,000 के आसपास, और हर साल इसका कट ऑफ बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हर साल बढ़ रही है। काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज नई नई खुल रही है, सो उसके लिए इसमें हर में कट ऑफ बढ़ रहा है। उसके बाद आता है केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कट ऑफ काफ़ी कम हो रहा है हर साल। 2016-17 में था 2,000, और लास्ट साल इसका कट ऑफ रह गया था अराउंड 1,500। तो अगर आपका कट ऑफ इसके अंदर रहता है, मेरिट रैंक इसके अंदर रहता है, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें लास्ट साल का कट ऑफ था 3,400 के आसपास। इसमें कट ऑफ थोड़ा सा बड़ा है हर साल की कंपेरिजन में। इसके बाद आता है सबसे मोस्ट डिमांडेड ब्रांच, और वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सबको इसमें एडमिशन लेना होता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी ब्रांच है। इसका कट ऑफ हर साल कम होते जा रहा है। आप देख सकते हो 2016-17 में इसका कट ऑफ सिर्फ 710 था, जबकि लास्ट साल में इसका कट ऑफ अराउंड 550 के आसपास था। तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क चाहिए गुजकेट प्लस 12th साइंस में, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। सो इसका लास्ट कल का कट ऑफ था 3,500 के आसपास, और इसमें भी कट ऑफ में ऊपर नीचे हो रहा है, बट अगर आपका कट ऑफ 4,000 के अंदर है तो आपको इसमें इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इसका कट ऑफ लास्ट साल का था 3,631, इसमें कट ऑफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। सो इसमें लास्ट साल का कट ऑफ था अराउंड 7,000, और इसमें भी हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है। आईटी इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी सबसे ज़्यादा सब स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेते हैं, तो इसका भी कट ऑफ काफ़ी नीचे रहा था लास्ट साल, अराउंड 1,000 के आसपास इसका कट ऑफ था। और पिछले 3 साल के इसका कट ऑफ कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले 2016-17 में इसका कट ऑफ था 1,530, और लास्ट साल के रह गया था 1,025। 500 जितना कट ऑफ डिक्रीज हुआ है, सो इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। अगर हम बात करें आईसी इंजीनियरिंग की, सो उसमें कट ऑफ था लास्ट साल का 4,500 के आसपास, और इसमें कट ऑफ बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें लास्ट साल का कट ऑफ था 1,571 के आसपास। अगर आपका कट ऑफ इसके अंदर है तो इसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अगली ब्रांच है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। सो इसकी कट ऑफ की बात करें तो लास्ट साल इसका कट ऑफ था 10,000 प्लस। रबर टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है, और काफ़ी कम कॉलेजेस इस कोर्स को ऑफर करते हैं। सो एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी इसमें से एक है जो ये ब्रांच ऑफर करते हैं। इसका लास्ट साल का कट ऑफ था 7,644 के आसपास।
टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इसका लास्ट साल कट ऑफ था 14,556 के आसपास। ये आप देख सकते हैं इसमें कट ऑफ बढ़ रहा है। इसमें काफ़ी सारी ब्रांच ऐसी है कि जिसमें हर साल कट ऑफ कम होते जा रहा है, और काफ़ी सारी ब्रांच ऐसी है जिसमें हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है। सो आप अकॉर्डिंग टू दैट उसके चूज कर सकते हो कि ये कॉलेज में आप एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अगर हम प्लेसमेंट और कट ऑफ की बात करें तो मैंने एक स्पेशली प्लेसमेंट के ऊपर वीडियो बना के रखी है, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट। उसमें मैंने सभी के सभी डिटेल्स दे रखी है, उसका हाईएस्ट पैकेज क्या है, उसमें एवरेज पैकेज क्या है, सब कौन कौन सी कंपनियां उसमें आती है। सो वो उसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर सजेस्टेड वीडियो में दे रखी है, तो आप वहाँ से भी वो वीडियो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।